नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में शुरुआत की खबर आतंकी हमले को लेकर। बार्सिलोना, स्पेन का शहर बार्सिलोना, यहां एक रेस्तरा में दो बंदूकधारी आतंकवादी घुस चुके हैं। कई लोगों को इन्होंने बंधक बनाया हुआ है। जब ये वैन लेकर भीड़ में घुसे तो दो की मौत सड़क पर उस वैन से टकराने पर हो गई। पूरे इलाके को हालांकि पुलिस ने घेर लिया है। अफरा तफरी की स्थिति शुरुआती दौर में थी, लेकिन अब पूरे इलाके को घेराबंदी कर आसमान और जमीन दोनों तरफ से निगरानी की जा रही है। और जिस रेस्तरा में दो बंदूकधारी आतंकवादी घुसे हुए हैं, उस पूरे इलाके को घेराबंदी करके लगातार संदेश दिया जा रहा है, किसी तरीके से उन्हें बाहर, जो वहां पर बंधक बनाए गए लोग हैं, उन्हें किसी तरह निकाला जा सके। लेकिन बहरहाल कोई खबर अगर वहां से कुछ डेवलप होती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन दस्तक में बात आज उस सियासत की होगी जिस सियासत को मतलब नहीं रहता है कि इस देश में बाढ़ है। गोरखपुर में बहुतेरे लोग मर गए, किसान खुदकुशी करते चले जा रहे हैं। टारगेट 350 का है, 2019 का नहीं, इस पर बात नहीं होगी। बात इस बात को लेकर होगी कि क्या मौजूदा वक्त में सियासत को कॉरपोरेट फंडिंग ने बदल दिया। और फूल खिलते हैं गुलशन गुलशन, तो फूल का मतलब क्या है, ये हम आखिर में आप ही से पूछेंगे और बताएंगे भी। लेकिन पहली रिपोर्ट। ये मां बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं। ये चुनाव की रंगत है, लेकिन ये रंगत 2014 की है, लोकसभा चुनाव की। और इस रंगत के पीछे क्या कॉरपोरेट का पैसा रहा, ये सवाल इसलिए क्योंकि पहली बार एडीआर ने कॉरपोरेट फंडिंग के जो तथ्य जुगाड़े हैं उसके मुताबिक 2014 के आम चुनाव में राजनीतिक दलों का जितना पैसा कॉरपोरेट से फंडिंग हुआ उतना पैसा उससे पहले 10 बरस में नहीं हुआ था। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2013 तक कॉरपोरेट ने 460 करोड़ 83 लाख रुपए राजनीतिक दलों को फंड दिया, लेकिन सिर्फ 3 बरस यानी 2013 से 2015 के बीच में कॉरपोरेट ने 797 करोड़ 79 लाख रुपए राजनीतिक दलों को फंड दिया। और ये आंकड़े सिर्फ राजनीतिक दलों के हैं, यानी बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और वामपंथी दलों को दिए गए फंड के। यानी 2014 के चुनाव में कॉरपोरेट ने दिल खोल कर फंडिंग की। तो चुनाव प्रचार के आधुनिकतम तरीके जब 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अजमाए तो उसके पीछे का एक सच एडीआर की इस रिपोर्ट से भी निकलता है कि 80% से ज्यादा कॉरपोरेट फंडिंग बीजेपी को ही मिली। क्योंकि याद कीजिए, मनमोहन सिंह सरकार जब घोटाले दर घोटाले के दायरे में फंस रही थी तब 20 कॉरपोरेट घरानों ने 2011-12 के बीच मनमोहन सरकार की गवर्नेंस पर सवाल उठाते हुए 4 पत्र भी लिखे थे। और उसी के बाद देश में बनते चुनावी माहौल में कॉरपोरेट फंडिंग में कितनी तेजी आई यह एडीआर की रिपोर्ट से पता चलता है। अप्रैल 2012 से अप्रैल 2016 के बीच 956 करोड़ 77 लाख रुपए की कॉरपोरेट फंडिंग हुई। इनमें से 705 करोड़ 81 लाख रुपए बीजेपी के पास गए, तो 198 करोड़ 16 लाख रुपए कांग्रेस के पास गए। महत्वपूर्ण यह भी है कि बीजेपी को दिए जाने वाली फंडिंग में सिर्फ इजाफा ही नहीं हुआ बल्कि 80% से ज्यादा फंडिंग भी बीजेपी के हक में गई। और जिन लोगों ने पैसा दिया यानी पॉलिटिकल फंड देने वालों की तादाद 3000 से ज्यादा बढ़कर चली गई, उसमें से 99% दाताओं ने फंड बीजेपी को ही दिया। यानी 2014 की चुनावी हवा कॉरपोरेट के लिए बीजेपी के अनुकूल हो चुकी थी। लेकिन फंडिंग के इस खेल में काला धन कौन दे रहा है या काला धन राजनीतिक दलों को नहीं लेना चाहिए, इस पर हर किसी ने आंख मूंद ली। क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट कहती है 1933 दाताओं ने बिना पैन नंबर बताए ही 384 करोड़ रुपए पॉलिटिकल दान पेटी में डाल दिए। और 1546 दाताओं ने पैन तो दिया लेकिन कोई पता नहीं दिया और 355 करोड़ रुपए दान पेटी में डाल दिए। और खास बात यह है कि 160 करोड़ रुपए बिना पैन बिना पते के पॉलिटिकल फंड में आए और किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। और महत्वपूर्ण यह भी कि इसमें से 99% दान बीजेपी के खाते में गया। तो 2014 में कांग्रेस हार रही थी, बीजेपी जीत रही थी, तब कॉरपोरेट
पॉलिटिकल फंडिंग अगर 80% बीजेपी के खाते में जा रही थी तो फिर जरा सोचना शुरू कीजिए 2019 में क्या होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त तो यही बतलाता है कि विपक्ष की राजनीतिक शून्यता तले बीजेपी को अभी से जीता हुआ हर कोई मान रहा है। तो ऐसे में आखिरी सवाल यही, कॉरपोरेट फंड के भरोसे जो राजनीतिक दल राजनीति करते हैं उनके दफ्तरों में 2019 में ताला लग जाएगा, क्योंकि बीजेपी ही सरकार होगी तो बीजेपी की ही दान पेटी हर किसी को दिखाई देगी, यानी वैकल्पिक राजनीति को साधे बगैर कॉरपोरेट फंड पर टिकी राजनीति बीजेपी के सामने किसी दूसरे दल की चल पाएगी ये सोचना किसी सपने के समान है, और यही आखिरी सच है। चुनाव पैसे पर टिका है, पैसा कॉरपोरेट से आता है, कॉरपोरेट राजनीतिक दलों को मदद इसलिए देता है कि उससे कहीं मुनाफा उसको आने वाले वक्त में मिल जाए, ये सारी थ्योरी है। चुनाव आयोग इस पर कुछ कहता नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग इस बात का जिक्र पहली बार जरूर कर गया कि 2014 के चुनाव जो थे वो सबसे ज़्यादा महंगे थे, यानी इतने महंगे कि 2004-2009 उससे पहले 1999-1998 सारे आंकड़े जोड़ दीजिएगा उससे भी ज़्यादा 2014 में खर्च हुए। बहरहाल पहली रिपोर्ट से फूल का मतलब कुछ निकला नहीं, दूसरी रिपोर्ट दिखलाते हैं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर है। किसान तो फसल मर गई, नष्ट हो गई और बेकार हो गया, और दूसरी फसल बोने के लिए फल लगा चाहिए। हमें तो पता ही नहीं हमारा बीमा कट रहा है, हमें कोई बताएगा, कोई कहीं ऑफिस है इसका, कुछ नहीं है, हमारी बैंक अकाउंट से कट रहा है, हमें कुछ नहीं पता। देख लो, पर किसान से पैसे काट लिए गए जबरदस्ती खाते से, और जो अपना बजट नहीं रखा गया। ये उन किसानों का दर्द है जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा इसलिए कराया क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद देश को भरोसा दिलाया था इस योजना से किसानों के दिन बदल जाएंगे। लेकिन फसल बीमा योजना के एक बरस पूरा होने के बाद किसानों का दर्द बहुत साफ बताता है, वो ठग लिए गए हैं। और ऐसा सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं हुआ, आज तक संवाददाता जब फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के अनुभव जानने निकले तो उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और तमिलनाडु तक के किसान फसल बीमा योजना को लेकर कटघरे में खड़ा करते दिखे। जी बैंक जाते हैं तो वो कह देते हैं तहसील मिलो, तहसील वाले कहते हैं कि बैंक में मिलो, हमको गुमराह कर रहे हैं वो। अच्छा, अभी कुछ नहीं है साहब। बात है कि पटवारी अगर यहाँ से 10 किलोमीटर पटवारी रह रहे हैं यहाँ पे, और 10 किलोमीटर के बाद में पटवारी यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं गांव में, तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया अपना इतना आगे चला गया है कि इसके लिए जो ड्रोन कैमरे की जरूरत पड़ेगी। जो इंडिविजुअल बंदा आके यहाँ पे सर्वे नहीं कर पा रहा है तो ड्रोन कैमरे की बात तो बहुत दूर है। जरा आंकड़ों के आईने में फसल बीमा योजना को पहले समझ लीजिए। बीमा कंपनियों ने किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्रीमियम के तौर पर 15,891 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन किसानों की तरफ से दावे हुए सिर्फ 5,962 करोड़ रुपए के। इसमें भी सिर्फ 65% दावों का भुगतान हुआ, यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे बीमा कंपनियों की जेब में चले गए। जो है खास तौर से जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं उनके पोबारे हो गए। राजस्थान का भी एक केस देखने को आया है कि पिछले सत्र में उनको किसानों को 300 करोड़ रुपए के आसपास का मिला है मुआवजा, और बीमा कंपनियां 4,000 करोड़ के आसपास के मुनाफे कमा के दे गई। यो विपक्ष दावा करता है फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं कॉरपोरेट को मिल रहा है। एक हद तक यह सच भी इस रिपोर्ट में दिखाई देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जिन राज्यों ने अपनाया उसमें ज्यादातर बीजेपी की ही सरकारें हैं, और किसान बीमा के लूट का खेल मिलजुल कर होता है। मसलन पैसा बैंकों तक पहुंचता है, बैंक पहले बीमा कंपनियों के प्रीमियम को काटते हैं, यानी किसान को बीमा की रकम मिले ना मिले कंपनियों को प्रीमियम मिलना शुरू हो जाता है। फिर किसान को जब बीमा रकम की जरूरत होती है तो बैंक नियम कायदों में उसे उलझा देते हैं, और बीमा की रकम किसानों तक पहुंचती नहीं मगर बीमा कंपनियां प्रीमियम कमाती जाती है। कि इसका कोई भी लाभ किसान को मिलने वाला नहीं है जब तक इसको हर एक किसान के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। ये भले ही गवर्नमेंट कागजों के अंदर कुछ भी कहती रहे, उसका कोई लाभ आम किसान को नहीं मिलेगा। तो क्या फसल बीमा योजना का असल लाभ वास्तव में सिर्फ और सिर्फ बीमा कंपनियों को मिल रहा है? जवाब तो सरकार को देना चाहिए, और यही सवाल जब देश के कृषि मंत्री से पूछा गया तो देखिए माइक सामने है और मंत्री महोदय कन्नी काट रहे हैं। लेकिन सच में ही मुआवजा नहीं है।
जाहिर है प्रधानमंत्री बीमा योजना को लेकर दावे बहुत हैं, लेकिन किसानों के हाथ खाली हैं। लाल किले के प्राचीर से भी पीएम ने किसान फसल बीमा योजना की याद दिलाई, लेकिन जब रकम किसानों तक पहुंच नहीं रही और बैंक से लेकर बीमा कंपनी किसानों की रकम पर मस्त हैं, तो सवाल ये नहीं कि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सवाल ये है कि जो किसानों को ठग रहे हैं वही सरकार को बता रहे हैं कि किसान खुश हैं। यानी दिल्ली से योजना में रकम तो डल रही, लेकिन किसानों तक पहुंचने से पहले ही इसे सिस्टम हड़प रहा है, और मंत्री से लेकर बाबू तक सभी खुश हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ आनंद पटेल, आज तक। कौन पैसा कहां डकार ले जाए पता ही नहीं चलता है, लेकिन फूल का मतलब शायद फिर नहीं निकल पाया। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। चलिए एक तीसरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसमें किसान को पैसा उसका डकारा नहीं जा रहा बल्कि खुदकुशी के नाम पर पैसे की कमाई कैसे हो यह भी सोचा जा रहा है। Such a great cause in which you all have participated, and aid to the children of farmers who have committed suicide. और ये कार्यक्रम आयोजित हुआ मराठवाड़ा के किंद औरंगाबाद शहर में, लेकिन संयोग ऐसा कि 15 अगस्त को कार्यक्रम ये सोच कर रखा गया कमाई होगी, उससे खुदकुशी कर चुके किसानों के परिवारों में बांटा जाएगा, लेकिन रकम कितनी आई, कितनी किसानों के बीच बांटी गई या बांटी जाएगी इसे तो बताने वाला कोई नहीं आया। लेकिन मराठवाड़ा के डिविजनल कमिश्नर ने संयोग से अगले ही दिन बतला दिया कि बीते हफ्ते भर में यानी 7 से 14 अगस्त के बीच ही 34 किसानों ने सिर्फ मराठवाड़ा में खुदकुशी कर ली, और इस बरस 580 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन प्रायोजकों की तरफ से कमाई तो खूब जरूर हुई होगी, लेकिन ऐसी कमाई से राहत दी जाए या खुदकुशी रोकने के उपाय सरकार को करने चाहिए, यह सवाल अनसुलझा ही है। पैसा ही पहुंचा नहीं है, किसानों का जो लोन वेवर है वो ही अगर हुआ नहीं है तो शायद ये वजह होगी, क्योंकि बुरी खबर यह है कि पिछले 8-10 दिन में तकरीबन 35 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की, ये बहुत गंभीर बात है। तो सवाल यह भी उभरा, क्या किसानों को कर्ज माफी योजना का कोई लाभ मिल नहीं रहा, किसानों पर कोई असर पड़ नहीं रहा, सरकार किसानों में भरोसा जगा नहीं पा रही? क्योंकि सच तो यही है कि फडणवीस सरकार सत्ता में आई तो उसने किसानों की मदद के नाम पर सूखा सेस भी शुरू किया। याद कीजिए 2 बरस पहले ही ये शुरू हुआ था, और 2015-16 में इस सेस के जरिए 1,300 करोड़ रुपए जमा भी हो गए। 2016-17 का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं, अलबत्ता बीते बरस की तुलना में ज्यादा सेस जमा होने की उम्मीद सरकार की तरफ से ही जरूर जताई गई। लेकिन हुआ क्या, उस पैसे से क्या किसानों को राहत मिली? यकीनन नहीं मिली, क्योंकि खुदकुशी बढ़ती गई, और किसानों की खुदकुशी किसानों की त्रासदी के नाम पर कमाई तो खूब हो रही है, रुपया जमा भी हो रहा है, लेकिन किसान राहत महसूस कैसे करे ये किसी को नहीं पता। मसलन कर्ज के चलते मौत को गले लगाने वाले किसान सचिन घोड़के के परिवार को देख लीजिए। सचिन की मासूम बेटी रोज अपनी माँ से पूछती है बाबा कब आएंगे, लेकिन मां मनीषा के पास कोई जवाब नहीं। मनीषा घोड़के को नहीं पता सूखा सेस से जमा हुई रकम से उन्हें क्या कुछ मदद मिल सकती है या नहीं मिल सकती, अलबत्ता उन्हें सिर्फ इतना ही मालूम है उनका हाल पूछने कभी कोई नहीं आया। नहीं आंटी। कितने दिवस झाले? वर्ष झाले। किसानों की आत्महत्या एक शर्मनाक बात है, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होने चाहिए, इसलिए ये सरकार की कोशिश करती है। तो क्या किसानों को राहत पहुंचाने की कवायद मजाक बन चुकी है? ऐसा मजाक जिसमें मनोरंजन के लिए भी जगह है, हंसी ठिठोली के लिए भी जगह है, सेस लगाकर रईसी कर ली जाए उसको लेकर कुछ नीतियां भी हैं, और इन सब के बीच जगह नहीं तो किसानों के लिए? इन रिपोर्ट से अब ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र के किसान जो है वो अभी भी परेशानी में है, और महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए की गई हर एक कोशिश जो है वो नाकाम होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अगर सरकार इन किसानों को ऋण माफी की राशि जल्द से जल्द दे तो यही राशि इन किसानों को फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दे सकती है। पंकज खेलकर और कमलेश सुतार के साथ मयूरेश गणपत्य, मुंबई, आज तक। सिस्टम के बीच कौन सा फूल खिल रहा है जिसके लिए हमने गुलशन गुलशन लिख दिया है? चलिए लिए चलते हैं आपको बंगाल, वहां कौन सा फूल है?
2015 में आपको कोई पैसे मिले हैं, स्कूल की स्कॉलरशिप वगैरह मिली है 16 में? नहीं मिला है, नहीं मिला है। ये सुल्तान अली हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के सुल्तान अली। 2014 में ही स्कूल छोड़ चुके हैं, वजह पैसे की कमी। लेकिन सुल्तान अली को नहीं मालूम कि केंद्र सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप लगातार उनके नाम से उनके खाते में आ रही है और अकाउंट ये बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए पार भी कर चुका है। सरकार ने आपको पैसे दिए हैं, रुपए दिए हैं, वो आपको मिले हैं? इस पे एंट्री हुई है कि आपको पैसे मिले, रुपए मिले हैं? नहीं। हॉस्टल वगैरह में आप जो रहते थे वहाँ पर, उसके लिए आपको कुछ पैसे मिले? आप हॉस्टल में रहते थे कभी? रहते थे कभी? नहीं। तो कहाँ रहते थे? घर में। लेकिन उत्तर दिनाजपुर में सुल्तान अकेले ऐसे छात्र नहीं जिनके साथ स्कॉलरशिप को लेकर फर्जीवाड़ा हो गया। इनसे मिलिए, ये हैं मेहर खातून। स्कॉलरशिप से जुड़े सरकारी दस्तावेजों में इनकी उम्र महज 12 साल है। हकीकत में यह 50 बरस के ऊपर है और कभी स्कूल गई ही नहीं। स्कूल थे के कोनो स्कॉलरशिप पे छे, कोनो टाका पे छे, कोनो लोक थे के? पाई नहीं, टाका पैसा पाई नहीं। हां पे पाई नहीं। কি বলছেন? না পয়সা পাইনি। আর টাকা কিছু পেয়েছেন বলছে স্কুল যে আপনারা স্কলারশিপের টাকা পেয়েছেন, হোস্টেলের টাকা পেয়েছেন, এরকম কিছু হয়েছে? কোনো টাকা পেয়েছেন কোথা থেকে? জি না, কোনো টাকা না সরকার থেকে? না কোনো টাকা না। तो क्या अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हिमायती बनने वाली ममता सरकार के राज में अल्पसंख्यकों को ही ठगा जा रहा है? ये सवाल तो है, क्योंकि उत्तर दिनाजपुर में ही कम से कम 200 से ज्यादा छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें छात्रों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा चुका है। और आज तक ने जब उत्तर दिनाजपुर के कई गांवों का दौरा किया और रिकॉर्ड में नाम दर्ज लोगों से मुलाकात की और जानना चाहा क्या उन्हें कभी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिली, तो आप भी ये जानकर भौचक रह जाएंगे कि सैकड़ों लोगों को पता ही नहीं कि उनके नाम से हजारों रुपए अकाउंट में हर महीने आते हैं। मैंने लिखा 2015-16 से अपना 10,000 टाका पेंशन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, पेंशन की ना टाका पेन। मुंसिफ अगर तुम हो तो इंसाफ कब करोगे? मुजरिम अगर हम हैं तो सजा क्यों नहीं देते? इन छात्रों का यही सवाल है कि आखिरकार इनकी गलती क्या है जो ये फॉर्म भर देते हैं, और इन्हें अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और इंतजार, क्योंकि पैसे तो किसी और के खाते में जाते हैं और वो खाते ही चले जाते हैं। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज लोईवाल, दिनाजपुर आज तक। तो लकीर खींची जा सकती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लकीर खींची जा सकती है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को लेकर, लेकिन कौन सी लकीर खींचिएगा जब जिक्र होगा फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और फूल का मतलब अपने अपने हिसाब से, अपने हर रिपोर्ट के हिसाब से लगाते चले जाइए और इस गीत को सुनते जाइए।